पांवटा साहिब नगर परिषद क्षेत्र में यमुना किनारे बनाया गया यमुना पथ क्राइम को दावत देता दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के कुलहाल आदि से गुंडा तत्व बेरोक टोक नगर में पहुंच रहे हैं। रास्ते पर सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं है। यह पथ यमुना नदी के किनारे बना है। पुल के छोर से बने इस रास्ते से सीधे गुरुद्वारे के नीचे यमुना घाट पर निकला जा सकता है। यहाँ पुलिस बूथ से भी नजर नहीं रखी जा सकती है। यही नहीं, नगर में घुसने के साथ साथ इस रास्ते से आसानी से वीआईपी एरिया में पहुंचा जा सकता है, जिसमें माननीय न्यायाधीश, एसडीएम, डीएसपी आवास सहित कोर्ट, एसडीएम कार्यालय और डीएसपी कार्यालय आदि शामिल हैं। लोगों का कहना है कि यह रास्ता पुल की तरफ से पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। रास्ते के बारे में आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ का लोकल व्यक्ति हूँ, और लोकल व्यक्ति होने के नाते जब भी मैं कभी वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर सिर्फ अनआइडेंटिफाइड लोग ही वहाँ से आते हैं जाते हैं, और वो आते जाते जिस समय यहाँ से हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और वो मेरे अपने ख्याल से जो है वो सुरक्षा के लिहाज से वो ठीक नहीं है। जहाँ तक प्रश्न यहाँ की सुरक्षा का है, तो ये कोई भी आदमी पुल की तरफ से आएगा, हमारे सारे पौटे में घूमेगा और घूम करके उसी रास्ते से यहाँ से वापस चला जाते हैं, और वापस जाने के साथ साथ जो है ना वो पता नहीं यहाँ से किस किस प्रकार की जो है संदिग्ध जो है व्यवस्था में यहाँ से जाते हैं। तो मेरा कहना इसके बारे में यही है कि वहाँ पर क्या तो कोई सिक्योरिटी हो, या वहाँ की यदि आपने एंट्री करनी है तो एंट्री को आउट करने के लिए उसको किसी ऐसी जगह से गुजरना चाहिए कि जहाँ पर हमारे कैमरे हों और जहाँ पर पुलिस व्यवस्था हो। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है, और रात को वहाँ लाइट का इंतजाम भी नहीं है। जिस समय रात को हम 8-9 बजे जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना हमें सुरफा पीते हुए या अनवांटेड वहाँ पर लोग बैठे होते हैं सिर्फ नशे के हालत में। मैं बहुत दिनों से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये एक इस तरह से सैरगाह ना होकर एक आम लोगों के लिए, नशेड़ियों के लिए, और भी गलत जिस तरह की चोरी शहर में हो रही है, उन लोगों के जाने के रास्ते खुल्लम खुल्ला हो गए, जो कि पुलिस की नज़र से आसानी से बच कर निकल जाते हैं। हमारा ये अनुरोध है कि शहर में ऐसी सैरगाह होनी तो चाहिए, परंतु यहाँ पर CCTV कैमरे तथा इस तरह से हो जो कि व्यवस्था कानून के अंतर्गत आए, कम से कम कुछ भी अगर शहर में कोई वारदात हो, अगर हम लोग देखना चाहें तो उस रास्ते पर जाकर ये देख तो सकेंगे कि किस तरफ से कौन कहां से जा रहा आ रहा है। यहां से बाहरी के लोग आते हैं और हम लोग यहां हिमाचली गुमराह होते हुए रह जाते हैं, और कोई किसी भी हादसों का कोई भी परिणाम इसीलिए निकल कर नहीं आ पाता, क्योंकि उन लोगों को ये चोर के रास्ते हैं एक तरह से शहर के, जो कि उन लोगों के लिए फायदे हैं और आम नागरिक इसमें नुकसान काफ़ी देर तरह से हो रहा। रात के समय में नशेड़िए किस तरह से घूमते हैं, और जो इधर से कहीं भी ये जमुना पर जाता है ना, तो यहाँ पर रात के समय नशेड़िए और गलत मतलब लोग, महिलाएं अश्लील हरकतें भी करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन कौन किसको देखेगा, कहाँ CCTV फुटेज है जो कि कोई अगर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहे तो किसको कहे, कोई सुनने वाला भी नजर नहीं आता, इसलिए बहुत परेशान है। तो हम लोगों का तो यही मानना है कि यहाँ पर अगर ये सैरगाह रखनी है और रहनी भी चाहिए, उसके लिए सुविधा के तौर पर कैमरे लगे हों तथा एक साइड से रास्ता अगर बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि इंसान घूम। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट।